नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम आज जो अपनी पिछली वाली क्लास है उसमें मैंने आपको बता दिया था, राजस्थान हिस्ट्री की अपन बात कर रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री की अपनी बात हो रही थी, अपन चौहान वंश के बारे में अपन बात कर रहे थे। चौहान वंश के बारे में अपनी बात हो चुकी थी पहले वाली क्लास में, जो मैंने सोमेश्वर चौहान के बारे में बता दिया था और आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो कैसे शासक बनते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बहुत ही प्रतापी शासक है, अंतिम हिंदू शासक कहलाते हैं अजमेर चौहान वंश के, और बहुत ही प्रतापी शासक, अंतिम प्रतापी शासक भी बोल देते हैं अजमेर के। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। मैंने आपको पूरा डायग्राम समझाया था कि किस तरह से अजय राज से लेके पृथ्वीराज चौहान तक के शासक किस तरह से बनते हैं और लास्ट में जो है पृथ्वीराज चौहान कैसे शासक बने बनते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, आप सभी क्लास देखते हैं तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्लास में, इसके लिए हमने आपके सुविधा दी गई है, क्लास में सभी को सुविधा दी गई है। आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं और आप हमारे पुराने वीडियो वगैरह सब देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप पीडीएफ भी वहां से ले सकते हैं और आप हमारे लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मनोविज्ञान के, चाहे जैसा कि मनोविज्ञान की क्लास भी मैं कुलदीप जांगिड़ सर जो मैं हूँ खुद हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं और ये सिर्फ आपके लिए एक सेवा है। रीट का कंपटीशन होने वाला है, इस तरह से पटवार का कंपटीशन होने वाला है और फिर आप बात करें कांस्टेबल का कंपटीशन होने वाला है। ये सभी एग्जाम जो है प्रस्तावित है और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हो जाएंगे। इसके लिए आपको सुविधा दी गई है, आप हमारे लिंक पे जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें, लाइक कमेंट भी करते रहिए। आपके कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप कमेंट कीजिए और अच्छा लगता है तब भी आप कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइव आने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और आपको जितने भी वीडियो चाहिए सब आप डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, वहां पर लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ फाइल भी, मनोविज्ञान के पुराने वीडियो भी जो हम पहले क्लास ले चुके हैं, ऐसे आप साइंस के वीडियो भी ले सकते हैं, वहां से संस्कृत के वीडियो भी ले सकते हैं, सब देख सकते हैं, आपके लिए सब सुविधा की हुई है हमने। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बने रहें, अच्छे पढ़ते रहें और रुचि से पढ़ते रहें, इंटरेस्ट से पढ़ते रहें, भविष्य आपका बहुत ही अच्छा उज्ज्वल बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी आपसे कामना करता हूँ और ऐसे ही आपका साथ बना रहे और हमारा परिवार जो है जुड़ा रहे और बिल्कुल इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की दीजिए। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात बतानी थी आपको और लाइक, जैसे कि आप लाइव आते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जो भी क्लास आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे उपलब्ध हो जाएगा और आप क्लास को देख पाएंगे और लेट नहीं होंगे, मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी होती है, पढ़ाने के साथ साथ इसका जो एनवायरमेंट है वो भी जरूरी होता है, साथ के साथ चलेंगे, सब चीजें साथ जरूरी होती है, एक चीज को लेके अपन आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है दोस्तों, आज जो बात करेंगे, अपन अपनी क्लास पे आते हैं। आज जो बात करने वाले हैं अंतिम है किसका, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद जो पढ़ा जाता है वो है रणथंभौर के चौहान वंश पढ़ा जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने वहां पर उसकी शाखा डाली थी। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक रहेगा अपना पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, नाम से ही पता चल रहा होगा पृथ्वीराज चौहान, तीन नाम है तो कौन सा हो जाएगा तृतीय। ठीक है दोस्तों, इनके आज बात करने वाले हैं अपन, बहुत ही प्रतापी शासक है और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी सभी अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पृथ्वीराज चौहान में। आज की क्लास में दोस्तों अपनी सिर्फ बेसिक बातें होगी जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकी जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, ये सब चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। इसके बाद भी बातें होंगी, इसमें कहानियां भी बहुत है, युद्ध भी लड़े थे इसने, तो वो सब बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इनके बारे में अपनी जानकारी लेने वाले हैं। आज क्या करेंगे अपनी क्लास में, आज सिर्फ बात होगी जो अपने हैं कि इनमें से जो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं ना उनके बारे में आज डिटेल से पढ़ लेंगे और पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपन आज की क्लास में बात करने वाले। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करें पृथ्वीराज चौहान के तृतीय की, तो ये इनकी बात करें तो ये अंतिम अंतिम शासक थे। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है कि अजमेर के अंतिम शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। गोविंद राज इनके पुत्र रहते हैं लेकिन वो शासक नहीं बन पाते और वो अपनी शाखा कहाँ पे डाल देते हैं, रणथंभौर में अपनी शाखा को स्थापित कर देते हैं। ये अंतिम शासक थे, प्रतापी शासक थे, अंतिम प्रतापी शासक।
इनके शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो इनका शासनकाल मैंने बताया था 1177 ईस्वी में सोमेश्वर देव चौहान जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये 77 से लेके कहाँ तक 92 ईस्वी तक ये शासक बनते हैं। आपको पता होगा 77 में ये शासक बनते हैं, अल्प आयु में 11 वर्ष की आयु में शासक बन जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, और 92 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उस युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि 77 से लेके 92 तक। 92 में क्या होता है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और 77 में ये 11 वर्ष की अवस्था में शासक बनते हैं, शासक बने। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा इतनी सी बात ही। अब देखो बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा नाम है, इसलिए अपन शॉर्ट में लिखेंगे PR3, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नाम लिख दिया पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब इनकी कुछ बातें करते हैं दोस्तों। मैंने बताया अंतिम प्रतापी शासक था, अब बात करते हैं दोस्तों इनकी जन्म की बात, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर जिसको भी पता है कि जन्म कहाँ हुआ था। देखो जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था अहिलवाड़ा में, अहिलवाड़ा। बहुत सी जगह आपको बुक्स में या फिर गाइडों में कहीं क्या लिखा जाएगा, अहिल पाटन ये भी लिखा आएगा, तो एक ही बात है, ये दोनों एक ही वर्ड है। अछिलवाड़ा भी लिखा आता है, अछिल पाटन भी लिखा आता है, तीनों एक ही शब्द है, लेकिन ज्यादातर क्या बोला जाता है, अहिलवाड़ा अहिल पाटन। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है। अभी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म, कब हुआ दोस्तों, सन 77 में ये शासक बने थे, यानी कि 11 वर्ष पहले। तो यानी कि अपन बात करें 1166, आपको याद रखना है 1166 में इनका जन्म हुआ था। और विक्रम संवत की बात करें अपन, विक्रम संवत की बात करें तो ये हुआ था 1233। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जन्म की बात की है, और अंतिम प्रतापी शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और ये 77 से लेके 92 तक शासक बने थे। 92 में क्या होता है, तराइन के द्वितीय युद्ध होता है, इसकी बात करेंगे अपन, युद्ध की बात भी करेंगे, डिटेल से बताएंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे अपन, आपको बिल्कुल भी बोरिंग मैसेज नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, जन्म हो गए, अब इनके पिताजी की बात करते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था दोस्तों सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान। क्या नाम था दोस्तों, सोमेश्वर चौहान इनके पिताजी का नाम था, जो शासक बने थे, 77 तक शासक रहे थे, 70 से 77 7 साल तक शासक रहे थे। और मैंने आपको पूरा समझा दिया था, पूरा बताया था, आपने पूरी बात की थी कि सोमेश्वर चौहान किस तरह से शासक बनते हैं। पृथ्वीराज फर्स्ट के सेकंड के जो है पुत्र नहीं था, तो पुत्र नहीं होने के कारण उसके जो भाई है वो चाचा है जो सोमेश्वर चौहान है वो शासक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका ही जो पुत्र रहता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये शासक बनते हैं, अंतिम शासक रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी बात करते हैं माताजी का नाम, कि इनके माता का नाम क्या था। अभी तक एक भी जो भी राजा हुए ना दोस्तों, इतनी जानकारी मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन वहां से कोई पूछते भी नहीं है। यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है बहुत ही प्रतापी शासक रहे थे चौहान वंश के, अजमेर चौहान वंश के। यहाँ से सब क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि पिताजी का नाम क्या था। ये जो कांस्टेबल के और वन रक्षक के पेपर होते हैं, वन विभाग के पेपर होते हैं, छोटे वाले पेपर होते हैं, उनमें तो पिताजी के नाम भी पूछे जाते हैं और माताजी के नाम भी पूछे जाते हैं। माता का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि जहां जहां देखो इतिहास में क्या होता है, आपको याद क्या रखना है इतिहास में, माता का नाम कैसे याद रखे जाते हैं, माता के नाम पे ज्यादा फोकस कब किया जाता है। ऐसे शासक हुए हैं इतिहास में जो अल्प आयु में ही शासक बन जाते हैं। अल्प आयु में मैंने पहले मारवाड़ में और बीकानेर के राठौड़ में पढ़ा है कि बहुत से शासक है जो अल्प आयु में ही शासक बन जाते हैं। तो अल्प आयु में शासक बनने के बाद वहां की संरक्षा करती है माता, करती है माता उनकी संरक्षा करती है, और माता ही गद्दी पे बैठती है और बालक के साथ, जो शासक तो बालक रहता है लेकिन कार्यभार को संभालना वगैरह सब ये सब चीजें कौन देखती है, माता देखती है। पिता का देहांत हो जाता है तो माता ही सब कुछ करती है, इसीलिए यहाँ पर भी माता का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे शासक के बारे में मैंने पहले भी बात की और अभी यहाँ पर बात करते हैं। माता का नाम क्या है दोस्तों, कर्पूरी देवी, और यहां लिख देता हूं मैं संरक्षिका बनी, बनी अपने पुत्र की,
ठीक है दोस्तों, ये मैंने अभी तक पहली बार जो अपन ने बात की है ये की है कि अंतिम प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, चराइन के द्वितीय युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके बाद शासक कोई नहीं बनता। इसके बाद मैंने बात की है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था अहिलवाड़ा में या अहिल्ला पाटन में, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कब हुआ था? 1166 में, और 11 वर्ष की अवस्था में ये शासक बन गए थे। पिता की बात करें, सोमेश्वर चौहान इनके पिताजी थे, और माता की बात करें, कर्पूरी देवी इनकी माता थी, जो संदीक्षा बनती है किनकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं में से आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा देते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं फिर। देखो इधर बात कर रहे हैं अपन पृथ्वीराज तृतीय की, माता पिता और इनके जन्म की बात हो चुकी है अपने। अब बात करते हैं दोस्तों इनके प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चन 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आ चुका है कि पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इनका योगदान रहा था, क्योंकि अल्प आयु में ही क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। अब शासक बनने के बाद इनके कार्यभार को कौन संभालेंगे? प्रधानमंत्री संभालेगा या फिर माता संभालेंगे? माता किसको बोले कि युद्ध में तो माता तो जाएगी नहीं, तो कौन जाएंगे? कदमवास वगैरह ये इनका मैनेजमेंट संभालते थे, इसीलिए बहुत ज्यादा योगदान रहता है यहाँ पर प्रधानमंत्री का और सेनापति का। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि इन व्यक्तियों के जब पढ़ते हैं ना अपन, तो जो अल्प आयु में शासक बनते हैं आप उनपे, तो उनके जो सेनापति और प्रधानमंत्री रहते हैं ना उनपे फोकस जरूर करें, और उनकी माता के और पिताजी के बारे में फोकस जरूर करें, क्योंकि लग जाता है कि अल्प आयु में शासक बने थे तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि योगदान ज्यादा था इतिहास में उनका। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब इनके बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री की, तो इनके प्रधानमंत्री का नाम था केमास। क्या नाम था दोस्तों? केमास। कहीं जगह आपको कदमवास भी आएगा नजर, कदमवास। एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कदमवास भी था, केमास भी था, तो आप दोनों नाम याद जरूर रखें। वो चाहे तो केमास भी डाल सकता है और कदमवास भी डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इनके प्रधानमंत्री का नाम था। अब इनकी बात कर लेते कि इन्होंने क्या किया था, अगर इनका इतिहास में योगदान है तो उनकी बात भी अपन साथ के साथ चलेंगे। केमास की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने दुर्ग का निर्माण करवाया था, नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था, नागौर में दुर्ग का निर्माण करवाया, उस दुर्ग का नाम था दोस्तों केमास दुर्ग। केमास, इन्हीं के नाम पे दुर्ग का निर्माण करवाया था, केमास दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई प्रधानमंत्री की। अब आगे चलते हैं और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो इनके सेनापति की बात करते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे? सेनापति की बात। सेनापति की बात करें दोस्तों, होता क्या है सेनापति के बारे में, आपको दो नाम बताऊंगा यहाँ पर। आपको कहीं गाइडों में या कहीं बुक में या कहीं पढ़ा होगा आपने, तो आप अलग अलग सेनापति के नाम नजर आएंगे, तो उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। पहले मैं सेनापति के नाम लिखता हूँ दोस्तों, तो एक है भुवनमल, और दूसरा है खांडे राव, ये दोनों आपको नाम नजर आएंगे। ऐसा भी हो सकता है भुवनमल खांडे राव, ऐसा नहीं हो सकता, खांडे राव और भुवनमल। अब होता क्या है दोस्तों, खांडे राव जो है सेनापति थे, कौन से तराइन के प्रथम युद्ध में सेनापति कौन रहते हैं? खांडे राव थे। भुवनमल जब ये शासक बने थे, अल्प आयु में शासक थे, तो उस टाइम ये सेनापति रहते थे, और इनका कार्यभार जो भी युद्ध है, छोटे मोटे राज्यों को अपने अधीन करना या फिर किसी जाति को अपने वक्त में लेना, ये सब चीजें जानकारी लेना, या ये सब जो भी कार्यभार संभालते थे, भुवनमल इनकी संरक्षिका करते थे, और भुवनमल का कार्य इस तरह से होता था।
जब वो शासक बने, बड़े हो गए थे, खांडे राव युवा अवस्था में हो गए थे जब पृथ्वीराज चौहान, तो खांडे राव तराइन के प्रथम युद्ध में खांडे राव का बहुत बड़ा योगदान था और इन्हीं के कारण विजय प्राप्त हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में खांडे राव ने भाग नहीं लिया था और ये भी मूल कारण माना जाता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में खांडे राव ने अपना सेनापति के रूप में भाग नहीं लिया था, इसीलिए भी जो पराजय का मुंह देखना पड़ा था जो पृथ्वीराज चौहान को, इसका मूल कारण भी ये रह सकता है। बहुत सारे मूल कारण रहे थे, उसमें मैं अपन वहां पे बात करेंगे जब अपन तराइन के द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इनके सेनापति थे, पहले आप इसको लिख लो। अब ठीक है दोस्तों, लिख लिया, मिटा देते हैं। बात चल रही है अपने दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में और कुछ। अब बात करते हैं दोस्तों इनके उपाधियों की। किनकी बात करेंगे? उपाधियों की। अपन बात कर रहे हैं अब उपाधियों की। इनको तीन उपाधियां प्राप्त थी दोस्तों। कितनी उपाधियां प्राप्त थी? तीन। पहली उपाधि की बात करें दोस्तों तो पहली उपाधि थी, पहली उपाधि की मैं बात करूं तो यह है अंतिम। हिंदू शासक, यह भी इनकी उपाधि थी, इस नाम से भी जाना जाता था इनको। दूसरी उपाधि की बात करें दोस्तों तो इनको राय पिथोरा भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राय पिथोरा। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता? राय पिथोरा। अब इसका कारण क्या है दोस्तों? देखो राय पिथोरा का कारण क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया। कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों? पिथौरागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया दोस्तों? तो ये करवाया था दिल्ली में करवाया था। कहां पर करवाया था दोस्तों? दिल्ली में करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। राय पिथौरा भी इनको बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, यहाँ पर नोट लगाऊंगा मैं आपके, नोट साथ के साथ बात कर लेते हैं, एक नॉलेज की बात आएगी यहां पर, आराम से सुनना। देखो जब मोहम्मद गोरी यहां पर आता है, कहां पर? भारत में। उसकी एंट्री होती है, गजनी का शासक बनता है मोहम्मद गोरी। गजनी मैंने पहले भी बात करी है, विग्रहराज चतुर्थ के टाइम भी गजनी से आक्रमण हुए थे, गजनी को परास्त किया था, वहां पर अधिकार किया था किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर वहां के शासक बने गजनी के, तो वहां पर मोहम्मद गोरी शासक बनते हैं और मोहम्मद गोरी विश्व विजेता के अभियान को लेकर चलते हैं और उनकी एंट्री होती है कहां पर? भारत में, यानी कि दिल्ली में एंट्री होती है। और उस टाइम के शासक कौन रहते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो उनके साथ दोस्तों एक सेनापति भी आते हैं, उन सेनापति का नाम रहता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने पहले भी नाम बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाते हैं, राजस्थान की पहली मस्जिद का निर्माण करवाते हैं, संस्कृत पाठशालाओं को तुड़वाकर 16 खंभों की एक मस्जिद बनाते हैं, वो राजस्थान की पहली मस्जिद होती है। यहाँ पर भी दोस्तों ये यही काम करने वाले हैं। क्या क्या? इन्होंने पिथौरागढ़ को तुड़वा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया दोस्तों? पिथौरागढ़ दुर्ग को तुड़वा कर मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई दोस्तों? मस्जिद बनवाई।
किसने बनवाई दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि मस्जिद कौन सी बनवाई और वो ये भारत की पहली मस्जिद थी। मस्जिद का नाम यहां लिख देता हूं दोस्तों, देखो मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम। इस मस्जिद का निर्माण करा है और ये भारत की प्रथम मस्जिद है, भारत की प्रथम मस्जिद। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दोस्तों क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा काम क्यों कर रहा था? क्या मोहम्मद गोरी नहीं कर सकता था? लेकिन क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जब 92 में, जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, उसको मार देता है, तो वहां से वो 93 की बात होती है, 94 लास्ट तक की बात होती है, और वहां के अपने साम्राज्य को, यानी कि उसके बाद वो गुजरात भी जीत लेता है, दक्षिण का पूरा भाग जीत लेता है, आसपास के सभी क्षेत्रों का अधिकार कर लेता है, और थोड़े टाइम के बाद आराम करने के बाद फिर वो वापस कहाँ पे चला जाता है? गजनी चला जाता है। और वहां का कार्यभार, जो दिल्ली का कार्यभार है, वो किसको संभाल देता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाल जाता है। और गुलाम वंश का प्रथम प्रतापी शासक रहता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक रहता है और यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है। शुरुआत होने के बाद दोस्तों ये यही काम करता है कि पहले संस्कृत पाठशाला को तोड़वाया, उसके बाद इसने क्या करा, पिथौरागढ़ दुर्ग को भी तोड़वाया, और यहाँ पर दोनों जगह मस्जिद बनवाई, जो राजस्थान की पहली मस्जिद और भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा, ये इंडियन का पार्ट है, लेकिन आपको याद रखना नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था, कुव्वत उल इस्लाम, भारत की प्रथम मस्जिद है। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तोड़वाया किसको? पिथौरागढ़ दुर्ग को। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हो जाएगा, थोड़ी देर। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं। देखो अब बात यहां तक बात हो गई दोस्तों, अपने माता की बात कर ली, पिता की बात कर ली, इसकी उपाधियों की बात कर ली दोस्तों, इतनी सी बात हो गई थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट और बात करते हैं दोस्तों इनकी, दरबारी कवि की। किनकी बात करेंगे? दरबारी कवि के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मैंने पहले भी आपको जब अपन चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, तो मैंने वहां पर बहुत सारे ग्रंथों के नाम लिखाए थे, और उन ग्रंथों ने किसको किन कवियों ने लिखा है, कुल लेखकों ने लिखा है, तो उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो अभी यहाँ पर अपन लिखेंगे ना, तो आपको नाम जरूर याद आएंगे। मैं आपसे पूछूंगा अभी, देखो पहले दरबारी कवि की बात करें अपन, पहले दरबारी कवि की बात करें दोस्तों, तो चंद्र बरदाई की बात करता हूं मैं। चंद्र बरदाई, कहीं बुक में दोस्तों, कहीं आपको गाइड में मिलेगा कि आपने कहीं पे पृथ्वी भट्ट भी देखा होगा नाम, वो अलग नाम नहीं है। चंद्र बरदाई को भी क्या बोला जाता है? पृथ्वी भट्ट भी बोला जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पृथ्वी भट्ट। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज क्लियर है? कोई कंफ्यूज नहीं रखना, कोई डाउट क्लियर नहीं रखना, डाउट को क्लियर करते जाना है, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है। अगर आपको यहां भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, वहां पर भी अपन सॉल्व करेंगे, उस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। पहली बात करी मैंने दोस्तों चंद्र बरदाई के बारे में, जो किसका दरबारी कवि था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था। ये इसका दरबारी कवि नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा मित्र भी था, और इसके हमेशा साथ रहता था, इसके साथ आना जाना रहता था, बहुत बातें करता था, यानी कि घनिष्ठ मित्र भी था एक चंद्र बरदाई। ठीक है दोस्तों, इनका एक ग्रंथ था दोस्तों, ग्रंथ अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ दरबारी कवि की, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, बाकी बात अपन बाद में करेंगे। ग्रंथ था दोस्तों, अब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में चंद्र बरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ग्रंथ लिखा था चंद्र बरदाई ने? उसका नाम था दोस्तों पृथ्वीराज रासो। रासो से नाम से दो ग्रंथ है दोस्तों, एक तो है पृथ्वीराज रासो और दूसरा है हमीर रासो। हमीर रासो के रचयिता कौन है दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं हमीर रासो के रचयिता कौन है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमीर रासो किसने लिखा था, यहाँ पर है पृथ्वीराज रासो, जो ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने। और इस ग्रंथ को पूरा किसने किया था दोस्तों? तो इसके जल्लड, इसका पुत्र था, उसने उसको पूरा किया था, लेकिन ज्यादातर भाग किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो इसने लिखा था, चंद्र बरदाई ने। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई चंद्र बरदाई।
इसकी बात करें दोस्तों अपन पतिराज रासो में क्या है, तो ये पहला हिंदी काव्य है, पहला हिंदी काव्य। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात होनी है आपको, याद करके रखना है चंद्रप्रद्याय का ग्रंथ कौन सा, पृथ्वीराज। चंद्रप्रद्याय किसके समकालीन है, पृथ्वीराज चतुर्थी के समकालीन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे के दरबारी की, इसका नाम है जयानक भट्ट। क्या नाम है दोस्तों, जयानक भट्ट की अपन बात कर रहे हैं, किसका दरबारी था ये, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। जयानक भट्ट ने ग्रंथ लिखा दोस्तों, ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम क्या था दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए जयानक भट्ट का ग्रंथ कौन सा था, लिख के बताइए जरूर, मैं बता देता हूं जब तक आपको, मेरा वेट मत किया करो आप, पहले आप खुद भी लिखा करो, जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख के बताया करो कि जयानक भट्ट ने ग्रंथ कौन सा ग्रंथ लिखा था। देखो दोस्तों इधर, जिसको नहीं आता वो देखो इधर, जयानक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था दोस्तों, पृथ्वीराज। ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको किस तरह से याद रखना है, पृथ्वीराज विजय। पीछे के जय से याद रखना था आपको, जयानक भट्ट, आगे का जय और ग्रंथ का पीछे का जय, जय से जयानक भट्ट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनके बारे में भी कि इनका भी क्या क्या योगदान था। देखो इधर जयानक भट्ट की बात करें तो ये दोस्तों ये समकालीन था, किसके समकालीन था, देखो समकालीन अजमेर के जो शासक रहे थे उनके समकालीन दरबारी रहा था ये, किसका भी रहा था देखो, किसके किस किस का शासन काल देखा इन्होंने, विग्रहराज चतुर्थ का भी देखा था, इसके बाद दोस्तों इन्होंने देखा था सोमेश्वर चौहान का भी देखा, सोमेश्वर चौहान का भी देखा, इसके बाद दोस्तों जो अपन बात कर रहे हैं अभी वो है पृथ्वीराज तृतीय, ये इनके टाइम के हैं, यानी कि जयानक भट्ट शासन काल की समय काल, इनके सम जो शासक थे उनकी बात अपन ने कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज विजय की, इसके जो देखो नाम में क्या पीछे विजय, पृथ्वीराज विजय, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वीराज ने जितनी भी विजय प्राप्त की है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया हुआ है, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय नहीं होता है कौन, पृथ्वीराज तृतीय, कौन नहीं होता, पृथ्वीराज तृतीय, तो इसके बारे में उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलेगा। और मृत्यु किसकी हो जाती है दोस्तों, जयानक भट्ट की। यहाँ पर मैं लिखूं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय इसमें जानकारी मिलती है, जानकारी मिली किसकी, मिली तराइन के प्रथम युद्ध की, किसकी जानकारी मिलती है, तराइन के प्रथम युद्ध की, द्वितीय युद्ध की जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है जयानक भट्ट की, और संयोग ऐसा रहता है कि पृथ्वीराज वहां पर भी विजय नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों बात करें अपन इसमें जानकारी क्या मिलती है, सती प्रथा और स्वयंवर प्रथा, इन सब की जानकारी भी दोस्तों किसमें मिलती है, पृथ्वीराज विजय ने विजय में। और ये जो ग्रंथ लिखा था ना, ये कहां पर लिखा था दोस्तों, इसने ये पुष्कर में लिखा था, पुष्कर झील के पास बैठकर, पुष्कर झील के पास बैठकर, पुष्कर झील के पास बैठकर ये ग्रंथ लिखा गया था। इसमें जानकारी मिलती है पृथ्वीराज की जितनी भी विजय हुई थी, जैसे आप बात करें जैसे चंदेर पे चंदेल वंश की भी विजय प्राप्त की थी उसकी जानकारी भी इसमें मिलती है, बहुत सारी जितनी विजय रही थी पृथ्वीराज की, अपन बात करेंगे आगे। पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ किसने लिखा था, जयानक भट्ट ने, जयानक भट्ट कौन था, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई चंद्रप्रदाय की और जयानक भट्ट की, और भी दरबारी थे जिनके नाम आते हैं उनके नाम इधर देखो, उनके ग्रंथ के नाम तो नहीं आते, बस नाम देखो आप, जनार्दन भी था, जनार्दन तीन, चंद्रप्रदाय, जयानक भट्ट और जनार्दन, ये इसके दरबारी कवि थे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों, ये बात हुई अपने दरबारी कवि की।
नाम लिखाया था मैंने दरबारी का, एक तो था जनार्दन, एक था विश्वरूपम, एक था बागी बागीश्वर, ये इसके मोस्ट जो है तीन, और वो दो पहले बता दिए मैंने आपको, तो ये इसके दरबारी क्या हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे। दरबारी कवि थे, इसके दरबार में बैठे थे, लेखन का कार्य किए थे, और ये खुद भी बहुत बड़ा साहित्यकार था दोस्तों। इतना बड़ा नहीं था विग्रहराज जितना, तो लेकिन फिर भी साहित्यकार था ये। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा दूं मैं। अब एक दो बात और कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे अपन, फिर बाकी जो नेक्स्ट रहेगा वो बाद में पढ़ेंगे। देखो दरबारी कवि की बात हो गई, अब बात करते हैं दोस्तों निर्माण की। निर्माण करवाया था दोस्तों, एक निर्माण काल आता है इसका, कला साहित्य, कला साहित्य विभाग, किसका निर्माण करवाया था दोस्तों, कला साहित्य विभाग का। कला में रुचि थी इसलिए इसके, कला साहित्य में रुचि थी इसलिए इस विभाग का निर्माण करवाया था दोस्तों। कहां पर करवाया था ये, तो ये करवाया दोस्तों अजमेर में, अजमेर में कहां पर करवाया दोस्तों, लेकिन कला साहित्य विभाग अजमेर में, ये तो आपको याद रह जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इनका नाम आता है पद्मनाभ। कौन थे दोस्तों, पद्मनाभ इनके प्रथम अध्यक्ष थे। कला साहित्य विभाग का एक बार फिर से बोल देता हूं, कला साहित्य विभाग कहां पर स्थित है, अजमेर में। निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान सरस्वती ने। और इनके प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, अपन यहां पर बात कर रहे हैं प्रथम अध्यक्ष की, तो यह है कौन है, पद्मनाभ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो पृथ्वीराज चौहान की बात करें, इनकी छत्री कहां पर स्थित है, इनकी छत्री स्थित है दोस्तों गजनी में, लेकिन अभी गजनी नहीं बोला जाता है दोस्तों, अब क्या बोला जाता है, वर्तमान में, वर्तमान काबुल। और काबुल का नाम बोलते हैं, आपको याद होना हो जाना चाहिए कि काबुल किसकी राजधानी है दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, जिसको पहले क्या बोला जाता था, गजनी बोला जाता था। गजनी के शासक है कौन, मोहम्मद गोरी, यानी कि काबुल का शासक कौन था, मोहम्मद गोरी। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर गजनी आ जाता तब भी आंसर ये होगा, काबुल आ जाता तब भी आंसर ये होगा। इसके बाद दोस्तों बात करें इनके स्मारक की, इनका स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो ये बना हुआ है दोस्तों अजमेर में। कहां पर बना हुआ है, अजमेर में। अब अजमेर में भी कहां बना हुआ है दोस्तों, तो तारागढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, ये इनके स्मारक की बात ही। देखो दोस्तों आप यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो वर्ड बोलने हैं आपको, सुन लेना उनको। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये बात जो मैंने आज की है ना, आज की क्लास में अपने क्वेश्चन चार या पांच क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए इनमें से ही चार या पांच क्वेश्चन आ चुके हैं। आप ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, इसके अच्छे से नोट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एज इट इज लिख देना आप, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जो भी मैटर रहेगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इंटरेस्टिंग कहानियां भी रहेगी, सहयोगिता के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और इसकी पत्नियों की दो पत्नियां रही थी इनकी बात अपन बाद में करेंगे, और पूरे तराइन के युद्ध की भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।